नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 29 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही है इसकी आज 13th क्लास है। अभी तक हमने 12 क्लासेस को कवर कर लिया है और इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे जीके की न्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है, जिसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, सिप्री के अनुसार सैन्य खर्च में भारत तीसरे स्थान पे है। अब ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया है कौन सा देश मिलिट्री पे कितना खर्चा करता है। तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना, ये किसको हुआ है? ये हुआ है अमेरिका को। दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा है? दूसरे नंबर पे रहा है चाइना। तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा है? तीसरे पे रहा है अपना देश भारत। तो याद रखेगा, अपना देश जो भारत है वो इसका स्थान है तीसरा। ये शुरू की टॉप थ्री कंट्रीज है जिनको आपको याद रखना है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे है इंडिया। अब बात करते हैं सिप्री की। सिप्री जिसका पूरा नाम है द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप नाम से ही समझ गए होंगे द स्टॉकहोम। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है और स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। एक फैक्ट तो आप ये याद रखेगा, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी सिप्री की? तो ये हुई थी 1966 में। ये डेट भी आप याद रखेगा। अब पूछा जाएगा इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है डैन स्मिथ। इनका नाम आप याद रखेगा, डैन स्मिथ इसके डायरेक्टर हैं। तो ये तो बात करी हमने इस न्यूज के बारे में। अब इस न्यूज के ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो बताइए। तो देखो, अभी हमने पढ़ा है ये भारत तीसरे स्थान पे है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पे है। पहले पे कौन है? पहले पे है अमेरिका और दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है चाइना और तीसरे पे है अपना देश भारत। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? नीति घाटी में टूटा ग्लेशियर। देखो अभी रिसेंटली ना नीति घाटी, यहाँ पर एक ग्लेशियर फटा है जिसके कारण ये जो नीति घाटी है, नीति वैली, ये न्यूज में है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो बस इतना आप याद रखेगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, दो कैपिटल है, एक तो है गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून जो इसकी विंटर कैपिटल है। गैरसैंण जिसको अभी हाल ही में इसकी समर कैपिटल बनाया गया था, फॉर्मेशन कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों के साथ सीमा लगती है और नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री भी लगती है, जो इसे ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ और चाइना के साथ भी। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। मनोज दास का अप्रैल 2021 में हुआ निधन। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो मनोज दास कौन है? ये इंडियन ऑथर है, आप ये कह सकते हैं भारतीय लेखक है, जो ओडिया और इंग्लिश में लिखते थे और इनको शिक्षा और साहित्य यानी लिटरेचर और एजुकेशन के जो फील्ड है इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था? 2001 में मिला था इन्हें पद्मश्री। और 2020 में कौन सा अवार्ड मिला? 2020 में मिला इन्हें पद्म भूषण। तो ये पूरी न्यूज है। अब इनके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में मनोज दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? ये लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ये भारतीय लेखक थे जो ओडिया और इंग्लिश में लिखते थे। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बड़े ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बस आप इसमें इतना याद रखेगा कि मध्य प्रदेश में बड़े ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो किस राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में बड़े ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये कहाँ पे किए जाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वहां पे लार्ज ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप किया जाएगा। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंदौर के अंदर आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। इंदौर में मतलब इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ।
रानी पद्मावती का मेमोरियल, ये भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कैंपेन चलाया है, वो लोग जो मिलावटी मटेरियल करके मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन ग्राम उद्योग, इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प अभियान को स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिले के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। और देखो, दो कैंपेन हो रहे हैं, कौन कौन से? एक तो है रोको टोको कैंपेन, ये कहाँ पे चलाया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर। और दूसरा कौन सा है? किल कोरोना कैंपेन, इसको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया था पिछले साल 2020 में कोविड-19 को रोकने के लिए। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ADB ने भारत के लिए अपने GDP प्रशिक्षण को बढ़ाया है। मतलब देखो, समझते हैं पूरी न्यूज क्या है। GDP ADB ने जो अनुमान लगाया था GDP वित्तीय वर्ष 2022 में कितनी होगी, अब उसको चेंज कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज है। अब पहले बात कर लेते हैं ADB के बारे में। पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला। मनीला में एक जगह है मंडलियोंग। मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर हैं। और याद रखेगा, भारत भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट कौन है? मसासुगु असाकावा, ये जापान से हैं। पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में निम्न में से किस बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया है? तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके बारे में पूरी डिटेल हमने पिछली स्लाइड में अच्छे से कवर कर ली है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अमिताभ घोष ने लिखी द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स। ये बुक लिखी गई है किनके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा, जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अमिताभ घोष, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने देखो 55वां, इन्होंने कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था? 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने इसको जीता था। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में, 2018 में। और ये सबसे पहले तो ये बताइए, ये कहाँ से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से हैं, ये भी आप याद रखेगा। दूसरा फैक्ट, इनकी एक बुक है, नाम क्या है? द शेडो लाइन्स। इसके लिए इन्होंने 2010 में एक और अवार्ड जीता था, कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2010। ये अवार्ड भी इन्होंने जीता था, किस बुक के लिए? द शेडो लाइन्स के लिए। और इन्होंने 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता है 2018 में, और ये कलकत्ता से हैं, ये भी आप याद रखेगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमिताभ घोष ने। तो 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अमिताभ घोष। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। वॉशिंगटन DC बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य। अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर एक बिल पारित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वॉशिंगटन DC अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। अभी तक कितने राज्य हैं? अभी तक 50 राज्य हैं, और अब 51वां कौन सा होगा? वॉशिंगटन DC। और देखो, वॉशिंगटन DC में ना एक तो IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? NASA। इन तीनों का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में ही है, ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस शहर को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अमेरिका के निचले सदन में एक विधेयक पारित किया गया है? तो कौन सा शहर है? वॉशिंगटन DC। 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 28 अप्रैल को मनाया गया कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। तो ये समझते हैं, क्वेश्चन पहले लगाते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया, ये किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया जाता है कब? 28 अप्रैल को। इसमें होता क्या है? देखो, काम करते समय जिन लोगों की जान चली जाती है ना, उन्हीं की याद में इस दिन को मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो याद रखेगा कब? 28 अप्रैल को। अब देखो, डेज की बात हुई है तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के, और ये फरवरी के हैं। इन तीनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगली न्यूज क्या है। राफेल नडाल ने जीता बार्सिलोना ओपन 2021। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सीधा ना क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है? टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 की एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और ये जो राफेल नडाल है ना, ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रेंच ओपन पे इनका मतलब काफी अच्छा नाम रहता है,
और ये बताइए क्ले कोर्ट पे कौन सा खेल खेल खेला जाता है, मतलब कौन सा ग्रैंड स्लैम है, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है, तो वो कौन सा है, फ्रेंच ओपन। ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ से हैं, ये स्पेन से हैं, तो समझ गए ना आप, ये इसका निकनेम है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। और इन्होंने 12वां बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब जीता है। अब चलते हैं सीधा अगली न्यूज की तरफ। श्रीलंका कैबिनेट ने फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को दी मंजूरी। क्वेश्चन लगाते हैं सीधा, अप्रैल 2021 में किस देश की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के एक विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है, श्रीलंका में। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप इतना याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका की हम लोकेशन देखते हैं, देखो ये है श्रीलंका, जूम करके देखिए इधर इस साइड में आइए, ये यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट, जो चर्चे में रहता है। इसकी दो कैपिटल हैं, श्री जयवर्धने पूरे कोटा जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी कोलंबो ये इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, गोताबे राजापक्षे। प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजापक्षे। अब ये तो थे हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अप्रैल 2021 में कोविड संबंधित जटिलताओं के कारण अरुण चौधरी का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व प्रमुख थे, तो ये थे एसएसबी के। अप्रैल 2021 में वरुण 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, तो ये 19वां हुआ, कहां पर, अरेबियन सी में। जम्मू और कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीते हैं, तो ये किसने जीते हैं, 5 ग्राम पंचायतों ने। किस शहर में नो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बन रहे हैं, तो ये नासिक में बन रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था 1999 में। कौन सा देश कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 तरल ऑक्सीजन भेजेगा, तो ये कौन सा देश भेजेगा, ये भेजेगा सऊदी अरब। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन, अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है, कौन से देश भारत में अपने दूतावास को कोविड 19 टीके भेजेगा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है, किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड 19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल्स पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक के राज्य इतिहास, मतलब कितने स्वर्ण पदक के साथ राज्य इतिहास रचा है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब देखो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास, अब जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है इसमें अभी तक हमने 12 क्लासेस को कवर कर लिया है, और आज जो हमारी 13 क्लास है ये किसके ऊपर होगी, ये होगी हमारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो अब समझते हैं ये पूरी क्या है, देखो 13 क्लास है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। संविधान किसी भी प्रकार का प्रोसीजर को नहीं बताता है प्रधानमंत्री जी के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, लेकिन आर्टिकल 75 बोलता है प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा। बस इतना आप याद रखेगा, क्वेश्चन सीधा सीधा उठेगा कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये बोलता है आर्टिकल 75। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना उसके लीडर को ये अपॉइंट करते हैं। अभी जैसे लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी कौन सी है, बीजेपी, तो बीजेपी के लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लीडर होंगे ना मेजोरिटी पार्टी के सिर्फ उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। अब देखो अगर कोई पार्टी जिसके पास मेजोरिटी नहीं है तो वहां पे क्या होगा, मतलब लोकसभा के अंदर जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट है, आप ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास मेजोरिटी नहीं है, ये आपस में गठबंधन कर लेती हैं तो सरकार बनेगी। तो अब ना इस टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन इसको इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए या उनके सिलेक्शन करने के लिए, समझ गए ना। अब कोई पर्सन देखो, या तो वो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, अगर वो मेंबर नहीं है इनमें से किसी भी हाउस के तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मैं ये कहता, मतलब आप सीधा ये समझिए कि किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन एक फैक्ट याद रखेगा, उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक मेंबर से हाउस बनना जरूरी है, मतलब किसी भी एक हाउस से मेंबर बनना जरूरी है, आप सीधा ये कह सकते हैं। देखो अब ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में ना लोअर हाउस जो है सिर्फ वहीं से ही जो मेंबर होगा उसी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा,
लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी भी हाउस का मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाहे राज्यसभा को हो या लोकसभा को हो। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दो तीन मेंबर ऐसे हैं जो राज्यसभा से थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जैसे देवगौड़ा, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी, ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनको देखो कोई भी मेंबर जैसे बना दिया गया पर प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ना किसी भी हाउस में 6 महीने के अंदर मेंबर बनना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा में बने या राज्यसभा में बने। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कितने महीने के अंदर उन्हें मेंबर बनना जरूरी है। तो हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं। तो 6 इसका सही आंसर होगा। तो समझ गए ना, जितना अभी तक हमने कवर किया है अच्छे से समझ गए ना। देखो अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, या आप ना इस वीडियो को दोबारा देखेगा फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ओथ समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर की ओथ क्या है। तो देखो ओथ कौन इनको दिलाता है, यानी शपथ, तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट इनके ऑफिस में एंट्री करने से पहले। अब पावर्स और फंक्शन समझते हैं प्राइम मिनिस्टर की। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में समझते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या होता है, देखो इसको ना हम जो अगली क्लास होगी, कल जो होगी, उसमें हम इसे डिटेल से समझेंगे। अभी आप बस इतना याद रखेगा, ये एक मंत्रियों का ग्रुप होता है और इसके हेड होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। अब इनके संबंध में क्या इनकी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की, ये देखो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब सलाह दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको मंत्री नियुक्त कीजिए। जैसे आप एग्जांपल की सहायता से कह सकते हैं राजनाथ सिंह जी, अगर ये कहते हैं राजनाथ सिंह जी को मंत्री बनाया जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे, राजनाथ सिंह जी को मंत्री की शपथ दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी दे देंगे, नहीं, जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर आप रिकमेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाएगा। और इसमें ये क्या काम करते हैं, इनको जैसे मंत्रालय होते हैं वो भी एलोकेट करते हैं और रीशफल भी करते हैं, मतलब चेंज भी कर देते हैं मंत्रालय। जैसे पर्यटन मंत्रालय कभी दे दिया गया दूसरे मंत्री जी के पास, और दूसरा शिक्षा मंत्रालय वो दे दिया जाएगा दूसरे मंत्री जी के पास। तो इस तरीके से इनका काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में। सेकंड पॉइंट, प्रेसिडेंट के संबंध में इनका क्या काम होता है, ये देखो एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे, डिसीजन तो ये जो डिसीजन होगा ना ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचा जाएगा किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी के माध्यम से। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट के संबंध में इनका क्या रिलेशन है, तो ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं कि वो लोकसभा को डिसोल्यूशन कर दें, क्योंकि देखो लोकसभा ही भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्या राज्यसभा भंग होती है, नहीं राज्यसभा भंग नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा भंग होती है। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको याद रखना है, आर्टिकल 74, ये क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, किनके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। और आर्टिकल 75 क्या बोलता है, आर्टिकल 75 बोलता है प्राइम मिनिस्टर होंगे लेकिन उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।